सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे सफर की। जो सफर शुरुआत तो सर्दियों में होना था, लेकिन दिल ने कहा अभी चल, तो बस चल पड़ा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हो माइलस्टोन क्रशर का एक और नया एपिसोड नई सीरीज के साथ। मेरा नाम है मोहित और मेरा नाम है दिव्या। तो गाइस, हम एक बड़ी एक्साइटिंग ट्रिप पे जाने वाले हैं। आई होप आपको वो ट्रिप जरूर पसंद आएगी, जरूर आप लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी ट्रिप है जो कि हर एक इंडियन प्रेफर करता है जाने के लिए उस जगह पर। तो yes. आपको जल्दी पता लगेगा। यस, और अब बज चुके हैं 9:30। अब यहाँ से निकलते हैं और हम चलते हैं अपनी जर्नी पे। पहले इस कार को करवाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, करवाते हैं इसमें पेट्रोल फुल। लेट्स गो। तो हमारे बैग्स हो गए हैं पैक और हमारी देखो डिग्गी भर गई है और ये पीछे की कार फुल पैक्ड है। ये देखो, ये लैपटॉप का, ये खाने का, वो खाने का, सब पैक है। चलो चलते हैं। देखो आगे भी पैक है और पीछे भी फुल पैक है, सारा किचन और क्या बोलते हैं बेडरूम सब कुछ हम ले चुके हैं। अभी तो दिख रहा है पूरा सेट है, लेकिन मे बी शायद हमें नाइट को इसको बनाना पड़ जाए हमें बेडरूम। लिस्ट लीटर की और आया पेट्रोल 4124। चलो चलते हैं, देखते कहाँ तक चलता है पेट्रोल। गाइज, यहाँ का ट्रैफिक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अभी हम खड़े हुए हैं, मतलब चल ही रहे हैं, खड़े क्या हुए हैं, खड़े खड़े बराबर ही है। आनंद पर्वत पर है, टॉवर्ड्स हम जा रहे हैं पीरेगढ़ी, पीरेगढ़ी से हम राइट लेंगे जीटी करनाल रोड की तरफ। करो भाई केजरीवाल को जो इसका जुगाड़ करो इस रोड का भी, जो फैक्ट्री एरिया में से हमें आराम से सहूलियत से निकल पाएँ, पेट्रोल ना लगे हमारा ज़्यादा। अरे हमने कल ही न्यूज चेक लेकर आए थे, ये और ये टूट गई। नहीं टूट गई है यार, गरारी पे टकती है ये, इस पर नट कसर। एक सैंडविच खाने के लिए यहाँ आए हैं यार, ये हवेली पे रुके हैं हम, और इतनी ज्यादा भीड़ दिखा रही तुम्हें मैं, रुको। देख रहे हो यार, वीकडे पे मत आना। भाई हमने सैंडविच लिए तो पैक करवा दिए और मैंने पाव भाजी ली थी, बस थोड़ा सा हमने खाना खा ही लिया है रात के लिए। और चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, 2 घंटे मतलब हमें लग गए, 12 बज गए हैं। अब देखते हैं कहाँ रुकेंगे बीच में। सही है, लग गया है फाइनली यहाँ पर, और ये हमें देगा फ्रंट का सारा व्यू जब हम चलेंगे। तो अब पकड़ने की कोई लोड ही नहीं है यार, कितना पानी है यार। ऑफ रोडिंग तो हमारी यहीं से स्टार्ट हो गई है। अमृतसर जा रहा है तो अमृतसर का जो डिस्टेंस है वो है करीबन करीबन 450, मतलब लगा लो 450 लगा लो। और अगर जा रहा है वो 120 की स्पीड से, अगर रुक नहीं रहा, कॉन्टिन्यूसली जाए जा रहा है 120 या फिर 100 की स्पीड पे जाए जा रहा है, तो पहुंच जाएगा 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे में। तो मतलब आप अगर 100 से 120 स्पीड जा रहे हो और कहीं रुक नहीं रहे हो, तो आप दिल्ली से अमृतसर पहुंच सकते हैं मैक्सिमम 5 आवर्स में। मैक्सिमम 5 आवर्स में। वाह, मतलब रोड्स देखो इतनी अच्छी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देख रहे हो कितने स्मूथ है, मतलब मैंने जब तक ट्रैवल अब तक किया है ना, मनाली तक का या फिर अमृतसर तक का, तो अभी तक इतने रोड्स सही नहीं थे। लेकिन अब मैं आ रही हूँ इस ईयर में 2023 में, तो रोड्स मुझे मतलब लाइक हर एक रोड बहुत अच्छा मिल रहा है। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, ये खाएंगे, मेरा तो पूरा फुल हो चुका है मेरा पेट। ये तो घर से खा के आई है, हमने थोड़ी ना खाया है, हम तो खाएंगे। यहाँ पर भी तो खाया था आपने, सैंडविच ही तो खाया है, राजमा चावल। देखो पापड़ भी हैं, सारी चीजें लेके आई हूँ घर से, प्याज भी लेके आए घर से, स्पेशली राजमा चावल साथ प्याज ना हो तो फिर क्या ही टेस्ट। नहीं टेस्ट तो मेरे देख लो, स्पून गाड़ी चलते रहो। गाइस अब ये हम अंबाला क्रॉस कर चुके हैं, अब यहाँ से हम टॉवर्ड्स पटियाला और लुधियाना की तरफ लेंगे।
यहाँ से है अम्बाला से कीरतपुर साहिब, ये है लगेगा 1 घंटा 44 मिनट। देखते हैं यार, ये रास्ता है यहाँ से, पहले कीरतपुर पहुँचते हैं। मनाली का शॉर्टकट है एक्चुअली, मैप पे देखा ही होगा, एक राइट से आए लेफ्ट साइड एक रास्ता जा रहा था, वहाँ से जाएंगे, लेफ्ट ले रहे हैं तो हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, आगे से ही देना था और यहाँ से आगे दिखाएगा आपको, हमने ध्यान नहीं दिया। रूपनगर का रास्ता देखो, हाँ अगर फ्लाईओवर से पहले हम ले लेते हैं तो हमें राइट लेना पड़ता, हम फ्लाईओवर से उतर के हमने यू टर्न लेके यहाँ से आए हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है रूपनगर, यहाँ से हम जाएंगे, शॉर्टकट है ये एक्चुअली। इस रोड पे तो लाइट्स ही नहीं है, वो तो थैंक गॉड हमने हैलोजन हटवा के लाइट्स ही वाली लगवाई हुई है, एलईडी वाली। देखो कितना डार्क है, हमने लाइट्स ऑफ कर दी। तो यार रात को अगर आ रहे हो तो इस रोड पे बताना, अगर तुम आ रहे हो तो, अगर तो फर्स्ट टाइम है ये। साइड में कुछ नज़र ही नहीं आ रही, देख रहे हो तुम, ना इस साइड नज़र आ रहा और ना इस साइड में, बस सीधी सीधी कार चल रही है। बस चलता हुआ रोड है, ऐसी बात नहीं है, NH 205A लिखा हुआ है, आ भी रही है और जा भी रही है, बस लाइट्स ही नहीं है इस रोड पे, हाईवे है। खोल के दिखाओ सर। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारी हुई है चेकिंग, यहाँ पर हमें रोक दिया गया, चेकिंग हुई है, पूछ रहे हैं ड्रग वगैरह अल्कोहल वगैरह है या नहीं। देखो अभी हमें, हम रुके थे वॉशरूम के लिए और देखो यहाँ पर बारिश आई हुई है। देखो देखो इस कार पे, देख रहे हो भीगी हुई है कार, ये वाली कार भी देखो भीगी हुई है, और रोड भी देखो भीगा हुआ है, गीला ही है। देखते हैं हमें कहाँ बारिश मिलेगी आगे जाके। ऑफ रोडिंग स्टार्ट होते हुए हमारी पंजाब से, अरे यहाँ से है रूपनगर 27 किलोमीटर, मनाली है 292 किलोमीटर। गाइस देख रहे हो 4:30 बज गए हैं और हमारी जो कार है अब जो एवरेज दे रही है वो दे रही है 17.7 की, मतलब यार बड़ी कार हो के भी इतनी बड़ी एवरेज, मज़ा आ गया देख के ना। सो कीरतपुर हो गया है फिनिश, अब आगे जा रहे हैं हम यहाँ से मनाली, बट मनाली हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हम और आगे जाएंगे। सो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल। कितना टनल खुली या बंद है सारी? ठीक है, तो ये कितनी है, एक ही है, ये एक ही बंद है, मतलब बंद कितनी है? पहले वाली बंद है, बाकी सब खुली है। तो पहले वाले में कितनी लंबी है वो? कितने? 1 किलोमीटर की। और आगे सारी खुली है? अच्छा, और सारी आगे खुली है। थैंक यू भैया। सो अभी वो बता ही रहा था कि टनल जो है वो एक बंद है और आगे सारी खुली है, तो समझ नहीं आ रहा कि एक टनल वो स्टार्टिंग की कौन सी है जो बंद है, छोटी वाली है, और वो कनेक्टिंग है या नहीं है आगे टनल से, वो सारी ही बंद है, ये थोड़ा कंफ्यूजन में है हम, लेकिन जाके ही पता लगेगा। आई गेस ये है फर्स्ट वाली टनल जो बंद है, ये क्रॉस मार्क लगा हुआ है ना, ये बंद है यहाँ से, इसलिए हम जा रहे हैं नीचे से। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, जब मैं अभी आई थी
जन्मे तब वो बन ही रही थी, आज ओपन है बट स्टिल ओपन नहीं है, पता नहीं, चलो देखते हैं, कोई नहीं, आगे वाले टनल ही सही, ये नहीं तो। अब देखो हमने टनल से साइड में लिया और यहाँ आ गए, ये रोड नजर आ रहा है और हमें जाना स्ट्रेट है, ये देखो स्ट्रेट दिखा रहा है मनाली और हमारा कार जा रही है साइड में, तो पूछना पड़ेगा कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं क्या, मतलब इतनी बार मनाली आके भी हम गलत हो रहा है, बताओ, पहले पूछ लेते हैं। चलो पाजी, ये मनाली का रास्ता, वो टनल, टनल का रास्ता नहीं है, नहीं मालूम, मनाली का तो ये ही बता रहे हैं यार, और टनल का पता नहीं है, मतलब टनल्स खुल गई थी ना इस वजह से ये वाला रास्ता दिखा रहा था, वो स्टेज वाला। अब देखो, अब हम यहाँ पर आ गए तो अब रास्ता दिखा दिया इसने, गूगल मैप भी गूगल ही है, गूगल ही कर देता है हमारी। लो हो गई है सुबह, बज गए हैं 5, मैप में दिखा रहा था लेफ्ट जाना है पर वो रास्ता बंद किया हुआ है, और अब यहाँ से स्ट्रेट जाना है, नोनी बता रहे हैं, नोनी से आगे जाएंगे मनाली, देखते हैं, और कह रहे हैं कि आगे वाली एक टनल बंद है और 2 खुली हुई है, कोई खुली हुई है कोई बता रहा है बंद हो रही है, क्या है ये सिस्टम, चलो देख आज जाके ही देख लेंगे यार। फाइनली आया, हमने सेफ गार्ड लगाया है ताकि अभी फर्स्ट टाइम है तो उसको सेफ लेके चल रहे थे, हमने ड्रॉइंग शॉट बहुत अच्छे लिए हैं, देखना अगर अच्छे लगे तो लाइक करना ज़रूर, चलो चलते हैं आगे। हमारी कार भी सही चल रही है, मतलब होता ना कि ये रास्ता बना रही है और उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, देखो कितने फास्ट भाग रही है, और आगे से कोई आता है ना डरती भी नहीं है, डर ये बस ड्राइवर बिल्कुल डर रहा, और जहाँ भी पता नहीं होता कि आगे से कोई आने वाला है तो वहाँ वो ओवरटेक कर रहा है, बताओ रोज के ड्राइवर एक्सपर्ट, देख रहे हो मतलब इतनी बड़ी बस है तभी भी नहीं सोच रहा, हमारे तो फिर भी कार है, ये देखो बिलासपुर से आता ये रोड ऊपर जाके हमें ये बरमाना से मिलता हुआ ऊपर जाता सुंदरनगर, बट अब ये ना ही बिलासपुर जाएगा तो अब यहाँ से जाएगा इस रोड से जिंदल एयर एक ब्लॉक से जाके सीधा सुंदरनगर मिलेगा, वाह नाइस, हर साल हर महीने लग रहा मुझे, हर महीने चेंज होते हैं इनके रूट्स। फाइनली टनल आती हुई, टनल नंबर 4, इसका मतलब 3 बंद है, ये बनी है न्यू टनल जो मैं लास्ट मनाली वाले एपिसोड में बात कर रही थी कि बन रही है, 14 टनल्स थी, 4 थी ये। 7 बज गए हैं और सूरज देवता उठ चुके हैं, जब जिस रोड से आए थे वो तो अब चेंज हो ही चुका है, आपने देख लिया है कि कितने ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं रोड्स में और कितने ज्यादा रास्ते चेंज हो चुके हैं, तो बज गए हैं 7 और हमें, मैं बता रही तुम्हें, 3 बजे हमें जो पर्ची कटवाई थी हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेने के लिए, उसके बाद से अभी तक कोई भी ऐसा हमें रास्ते में कोई होटल मिला नहीं है जहाँ पर हम रेस्ट कर सकें अच्छे से प्रॉपर। टनल नंबर
मुझे क्या नजर आया, लीची और कितनी फ्रेश है यार, तो मैंने कहीं नहीं देखी आज तक लाइफ में, फर्स्ट टाइम है। जो सब गिर रही है ना, इसमें कलेक्ट कर रही है। सुंदर नगर में आपका स्वागत है। दस घंटे की कॉन्टिन्यूस ड्राइव के बाद अब हम रुके हैं सुंदर नगर। लाइक कॉन्टिन्यूस ही था, बीच में हम सिर्फ वहाँ रुके थे हवेली। सो ये हमने रूम लिया है और अच्छा है यार, जहाँ पर वाइट वॉल्स हो या क्रीम वॉल्स हो तो अच्छा ही मिल जाता है। सो इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म और अब हम सोते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।